और आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में भाजपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है और मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब जम्मू और कश्मीर में भी परमानेंट पीस आएगी और यहां से भी अफ्सपा हटाने का हमें मौका मिलेगा। और साथियों आर्टिकल 370, 35 ए को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए वो हम लोगों ने किया, कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को पूरा किया और हमने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया और दशकों में जो नाइंसाफ जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हो रही थी नाइंसाफी उनके साथ हम लोगों ने इंसाफ किया है। और मैं इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ नहीं मानता हूं बल्कि भारत देश के साथ इंसाफ मानता हूं क्योंकि धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था उसका कोई लाभ होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हो रहा, इसलिए हमको समाप्त करना है। भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था, आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है और इस काम को करने के लिए यहां पर विल पावर की जरूरत होती है, वहीं उन कंस्ट्रेंट्स को भी समाप्त करने की भी जरूरत थी। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई मैं एक गृहमंत्री का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था उस समय जो हमारी स्थिति थी हमारी उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई, बहनों भाइयों मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा, 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको, और पहली बार देश ही दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है, यह दुनिया ने समझा और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने जैसा हमने बताया कि उरी और पुलवामा की घटना हुई उसके बाद क्या किया। भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था, आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है और इस काम को करने के लिए यहां पर विल पावर की जरूरत होती है, वहीं उन कंस्ट्रेंट्स को भी समाप्त करने की भी जरूरत थी और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रभावी करने की राह में बाधा बनते हैं। और साथियों आर्टिकल 370, 35 ए को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए वो हम लोगों ने किया, कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को पूरा किया और हमने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया और दशकों में जो नाइंसाफ जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हो रही थी नाइंसाफी उनके साथ हम लोगों ने इंसाफ किया है। और मैं इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ नहीं मानता हूं बल्कि भारत देश के साथ इंसाफ मानता हूं क्योंकि धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था उसका कोई लाभ होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हो रहा, इसलिए हमको समाप्त करना पड़ा।
आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह देखता था, पर 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला और अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है और टेररिज्म इज ए ग्लोबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अमेरिका भी यह मानता है, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था वही बात अब लगभग पूरी दुनिया मानने लगी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, शायद समाचार पत्रों में आपने उसे देखा होगा, और उसे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। पूरे विश्व की मानसिकता आप उठाकर पास स्थिति देख लीजिए बहुत सारे देशों की कि आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या पहुंच रही है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई है कि यूएन लिस्टेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें लश्करे तैयबा जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं उनके खिलाफ कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। यह अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह बात कही गई। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल, यह अमेरिका भी बोल रहा है ध्यान दीजिएगा जो लोग पास स्थिति जानते होंगे, और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए किसी भी सूरत में न होने दें। साथ ही 26/11 और पठानकोट के हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे, पहली बार यह स्टेटमेंट आया। इसी तरह टेरर फंडिंग को समाप्त करने पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की गई। यह छोटी कामयाबी नहीं है क्योंकि इससे सिद्ध हो गया है कि भारत जो कुछ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है वह सही दिशा में जा रहा है। साथियों, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को, काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान मैंने हटा गया, हटाने में कामयाबी हमने हासिल की। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा, अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम बनेंगे, और इस मंशा को एक नहीं कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मदद करना। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मदद, यह कोई छोटी बात नहीं है। साथियों, हमारा दूसरा पड़ोसी देश चीन है, चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों के लेकर मतभेद हो जाता है, मगर तथ्य है कि लंबे समय से चीन के साथ
सीमा को लेकर पर्सनल डिफरेंस है ही, और इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। यह समझौते नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल जी के समय में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमति के आधार पर भी हुए हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो विवाद हुआ था उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। चीनी सेना पीएलए ने यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। गलवान की उस घटना का भी मैं चित्र करना चाहूंगा। उस घटना को 3 वर्ष गुजर चुके हैं, मगर जिस शौर्य पराक्रम के साथ साथ संयम का परिचय भी हमारी भारतीय सेना ने दिया है वह देश कभी भूल नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, आने वाली पीढ़ियां भी हमारे जवान सैनिकों पर गर्व करेंगे। दूर दराज बैठे हुए लोगों को इतना अंदाज नहीं लग पाता, बराबर डे टू डे की रिपोर्टिंग मुझे होती है। मैं जानता हूं किन परिस्थितियों में हमारे नौजवान लड़ते हैं, कितनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, कितनी हिम्मत के साथ लड़ते हैं। बहुत सारी बातें, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा भी मैं नहीं कर सकता, मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब भी गलवान का इतिहास लिखा जाएगा तब पूरा देश हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर गर्व करेगा। मेरे बहनों भाई, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं। और मुझे तकलीफ तब होती है जब सरकार को कड़घरे में खड़ा करने के प्रयास में हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं होना चाहिए। भारतीय सेनाओं की प्रतिष्ठा, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा पर भारतवासियों को नाज है। रहा सवाल चीन के कब्जे का, तो मैं यहां फिर से दोहराना चाहूंगा, 2030 के बाद एलएसी से सटी भारतीय सीमा पर बराबर कुछ न कुछ हरकतें होती रही, इसमें कैद कोई हल नहीं। लेकिन बहुत बड़ा कब्जा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हो गया, हो बहुत बड़ा बदलाव कोई हो गया है, इसे मैं खारिज करता हूं। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग तरीके से हो, हम ये चाहते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत इस समय चल भी रही है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। मित्रों, चीन के साथ 1962 में जो हुआ उससे हमने बहुत कुछ सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी, आज स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी सरकार ने रोहतांग में अटल टनल का निर्माण किया है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था, हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया है। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह अटल टनल बना है, उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा टनल विश्व में कहीं भी किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, और यह टनल उत्तरी सीमाओं पर सेनाओं के आवागमन को बहुत सुगम बनाता है, और एक इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हम सबको है। साथियों, आज जो लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई रोड बना दी है हमको, ये उमलिंगला पास पर रोड बनाकर बिहार ने दुर्गम इलाकों को भी जोड़ दिया है। अब बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में 135 किलोमीटर लंबा एक और हाईवे बना रहा है जो डेमचो और चुसू को जोड़ देगा, यानी पेंगांगसो तक पहुंचने का रास्ता पहले की कर वर्जन में काफी हद तक आसान हो जाएगा। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेजी से देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का, ब्रिजेस का और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी निर्माण कर रहा है, और लद्दाख ही नहीं, जम्मू काश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सभी सीमाई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जारी है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बहुत जरूरी है, और साथ ही जो भारतीय नागरिक
तमाम कष्ट झेलने के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी इसका लाभ होता है। सीमाओं पर रहने वाले नागरिक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाए कि हम बहुत सारे लोगों को सीमा पर भी ले जाकर वहां बसाना चाहते हैं, वहां पर अपने घर बनवाएं, वहां पर रहें, क्योंकि जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। साथियों, एक समय था नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका इंसर्जेंसी की चपेट में था और पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में शांति का एक नया दौर आया। बड़ी संख्या में इंसर्जेंट्स या तो मारे गए या तो मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएं तो आप पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। पहले का नॉर्थ ईस्ट और आपका नॉर्थ ईस्ट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के अब तक के प्रधानमंत्री काल में काल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मणिपुर में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे काफी हद तक सामान्य हो रही है। और मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से संतोष है कि 5 साल मुझे गृहमंत्री के रूप में भी इस पीस प्रोसेस में को गति देने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी की समस्या पर साथियों, जहां हमने काबू पाया है, वहीं पर वामपंथी उग्रवाद नक्सलियन पर भी नियंत्रण पाने में हमने काफी सफलता हासिल की है। और आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में पक्सपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है और मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब जम्मू और कश्मीर में भी परमानेंट पीस आएगी और यहां से भी पक्सपा हटाने का हमें मौका मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर संकट के खिलाफ आज के हमारे गृह मिनिस्टर श्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़े प्रभावी ढंग से कार्रवाई चल रही है। मैं अमित शाह जी की जो भूमिका है उसकी भी यहाँ आप सबके समक्ष सार्वजनिक रूप से सराहना करता हूं। मित्रों, जहां तक लैंड बॉर्डर्स की रक्षा जरूरी है, वहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि भारत अपनी इकॉनमी के साथ साथ ग्लोबल इकॉनमी और ट्रेड की दृष्टि से भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।